2022 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन यहां से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का बीते दिनों निधन हो गया था, जिसके बाद से ये सीट खाली हुई है। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का निधन हार्ट अटैक से हुआ था। अरविंद गिरी लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने पूर्व विधायक विनय तिवारी पर दांव लगाया, जिसके लिए नामांकन 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 14 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र भर सकेंगे। इसके अलावा 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने 3 अक्टूबर को किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, 4 PM UP।